अच्छा चलो तुम सर करो सवाल। आपके अपने शहर में रिसेंटली एक इंसिडेंट हो गया, पूरा सोशल मीडिया उस पे खड़ा हो गया, आपके अपने शहर लाहौर में अभी रिसेंटली एक वाकया हुआ जिसमें हुमा खान और उज्मा खान वाला एक केस पूरा का पूरा खड़ा हो गया। तो आपका वो खड़ा स्टांस है, इसमें क्या? वो वाक्या क्या स्टार्ट उसमें क्या, वो तो मैं लिख चुका, यही तो मैं डिफाइन कर रहा था, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन वुमेन एंड नॉन वुमेन। आपकी मेहरबानी, आप इतने मुश्किल क्यों होते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, तो मैं तो लेकिन लोग हैरान अब हूं। आपसे सवाल करें कि अब आप दो टके के मर्द के बारे में कब लिखने कैसे वाले दो हैं? टकेगा, मैं तो मर्द को हमेशा से कहता था मैं मानता ही नहीं, ये तो बकवास कर रहे हैं ना, ये तो अकल नहीं है, शऊर नहीं है कि आप समझ ले कि वहां पर एक 2% की लड़की मौजूद है जिसको जिसको मैं टारगेट किए हुए था कि वो है जो घर बर्बाद कर रही है। आप उसके बारे में क्यों नहीं सोच रहे, आमना के बारे में, सर जिसको 13 साल यहाँ पे की तो मैरिड। अब एक मिनट रुको फरीन, एक मिनट रुको, खुदा के वास्ते अपने सोशल सेटअप की धज्जियां मत पकड़ दो तुम लोग। मर्द से औरत को कभी कोई खतरा नहीं रहा, औरत को हमेशा 2 नंबर औरत से खतरा रहा है, और उस पर इल्जाम मर्द पर लगाया जाता है। मर्द को तो मैंने डिफाइन कर दिया, और ट्रस्ट मी, इस डेफिनेशन से अगर आप भागना चाहते हो तो आप समझे कबूतर की तरह बिल्ली के सामने आंखें बंद कर रहे हो। याद रखिए, मर्द डज नॉट हैव केपेबिलिटी टू नो। आई एम टॉकिंग जनरली, इफ देर आर अ फ्यू तो दैट इज अ वेरी डिफरेंट एंड एक्सेप्शनल केस, बट मैन डज नॉट हैव केपेबिलिटी टू से नो, बट द वुमन डू हैव। इसको समझना होगा, या आज मेरे जीते जी समझ नहीं आएगी, तो ये तो बच्चों वाली बातें हैं। ये तो बड़ी अंडरस्टैंडेबल सिचुएशन थी कि ये इंसिडेंट, तो समझिए कि इलस्ट्रेशन था उस प्ले का, इसको तो बड़े आराम से समझ लेना चाहिए था, तो बजाय इसके कि ये कदगन लगाई जाती कि वो 2% का मर्द। मर्द को तो मैं मानता ही नहीं हूं भैया, मैंने जब ये डिफाइन कर दिया कि उसके पास औकात ही नहीं, उसकी काबिलियत ही नहीं उसकी इनकार करने की, तो उसके पल्ले रहा क्या है, काबिलियत है सर औरत बिल्कुल के चैप्टर ही पास, खत्म हो गया ना जी, या बिल्कुल तो सही। उसके बाद मुझसे सवाल करना बनता है। आपको शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, और इनको समझना चाहिए कि मैं क्या कह रहा था आपको। आपने 2% की एक लड़की याद रखी, और बिलियंस की, और प्राइसलेस वो 3 औरतें याद रही जो उसके अलावा थी ड्रामे में।